नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, मैं अपनी बात शुरू करूंगा उसी शेर से। शेर कुछ यूं है कि आज सड़कों पे लिखे हैं सैकड़ों नारे, न देख पर अंधेरा देख तू, आकाश के तारे न देख। लेकिन कहां तक आकाश के तारे न देखें जब सिर्फ तारे दिखाने के लिए तंत्र व्यस्त हो। बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी की ओर कोई ध्यान देने वाला है नहीं। ये मुद्दा हमारे यहां घिसा पिटा है, जिसके बारे में न तो कोई बात करना चाहता है और न ही किसी को इससे कोई फर्क होता है, न किसी पर फर्क पड़ता है इससे होने वाली बहसों से जुड़ी हुई चीजों पर। लेकिन राष्ट्रहित में हम ये देश के उस वर्ग की बात करना चाहते हैं जिनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोलो ने देश में बेरोजगारी और बढ़ती आय असमानता पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी और बढ़ती आय असमानता दानव जैसी चुनौती बन रही हैं। स्वदेशी जागरण मंच SJM ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, ये वेबिनार था, और इस पर बोलते हुए उन्होंने ये कहा, मैं कोट कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि उस ग्राफिक्स को चलाया भी जाए जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि 20 करोड़ लोग, वो ग्राफिक्स चला दीजिए प्लीज, उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 23 करोड़ लोग रोजाना 375 रुपए से भी कम कमा रहे हैं। गरीबी हमारे सामने एक दानव जैसी चुनौती है। ये महत्वपूर्ण है कि हम ये दानव कैसे मरे इसके बारे में सोचें। उन्होंने ये टिप्पणी की, दत्तात्रेय होसबोले ने। अगर आप इस बयान पर गौर करें तो आप समझेंगे कि यही बात विपक्ष भी उठा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 4 करोड़ बेरोजगार हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ से ज्यादा, शहरी क्षेत्रों में करीब 1.80 करोड़। श्रम बल सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर 7.6% आंकी गई है। उन्होंने कहा कि हमें न केवल अखिल भारतीय योजनाओं की आवश्यकता है बल्कि रोजगार पैदा करने के लिए स्थानीय योजनाओं की भी जरूरत है। ये दत्तात्रेय होसबोले के शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। भारत पिछले कई सालों से बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है और जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है उसमें भी बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। सरकार इससे इनकार करती है। सरकार कहती है कि उसने बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो काम किए हैं उनका असर जमीन पर हो रहा है। लेकिन जब संघ, जिसकी पूरी तरीके से समर्थन हासिल है सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, वो अगर ये प्रश्न उठा रहा है, उसका एक बड़ा नेता ये प्रश्न उठा रहा है, तो मामला कुछ हिला हुआ है। जब सरकारी भर्तियां निकलती हैं तो लाखों की तादाद में युवा उनके लिए आवेदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सालाना 1 करोड़ नौकरियों के वादे के साथ 2014 में सत्ता में आई थी। तब से भारत में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। मार्च 2020 में यह 23.5% पर पहुंच गई थी, उस वक्त कोरोना था। मुंबई में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE है, जिसके आंकड़े कहते हैं कि तब से बेरोजगारी की दर 7% के ऊपर ही बनी हुई है। आंकड़े दिखाते हैं कि दिसंबर में 5.2 करोड़ से ज्यादा लोग उस वक्त बेरोजगार हुए, नौकरियां उस वक्त वो तलाश रहे थे। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो नौकरियां नहीं खोज रहे हैं। भारत में नौकरी के योग्य यानी 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या जो है ना, वो 1 अरब मानी जाती है। 1 अरब। CMIE के मुताबिक इनमें से सिर्फ 43.3 करोड़ लोग नौकरीशुदा हैं, यानी 60 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है। 60 करोड़ लोग। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको PLFS जानते हैं शॉर्ट में, इसके जो आंकड़े हैं लेटेस्ट 19-20 में ये आंकड़े आए, और इसमें कहा गया कि महामारी के दौरान बहुत बेरोजगारी बढ़ी, 20-21 में बेरोजगारी में थोड़ी सी गिरावट आई, 19-20 में बेरोजगारी दर 4.8 थी, 20-21 में 4.2 थी। इस सर्वे में जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच की अवधि को शामिल किया गया। इसका मतलब यह है कि अवधि में जितने लोग रोजगार ढूंढ रहे थे उनमें से सिर्फ 4.2% को रोजगार नहीं मिला। लेकिन ये जो सर्वे किए जाते हैं इसमें भी कई पेचोखम है कि किनको बेरोजगार माना जाए और किनको बेरोजगार ना माना जाए, इसकी भी एक परिभाषा है, उस पर भी कभी मैं बहस करूंगा। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 6.7%, ग्रामीण इलाकों में 3.3%। इसके अलावा दो और मानकों में भी आंकड़े रोजगार को लेकर अच्छी तस्वीर
बहुत नहीं दिखाते। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR 4 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर 39.3% पाई गई और वर्कर पॉल्यूशन रेशियो यानी WPR 36.3% पर है। LFPR का मतलब उन लोगों की संख्या है जो या तो किसी रोजगार में लगे हुए हैं या रोजगार के लिए उपलब्ध हैं। माना जाता है कि इसके ऊंचा होने का मतलब होता है कि लोग रोजगार की उपलब्धता को लेकर निराशाजनक नहीं है। WPR का मतलब होता है कि कुल आबादी में उन लोगों का प्रतिशत जिन्हें रोजगार हासिल है। CMIE का डेटा हालात की अत्यधिक गंभीरता का अंदाजा ही नहीं देता और न ही ये सिर्फ नौकरियों के हाल और गांव शहरों की मौजूदा तकलीफों और दबावों और नौकरी में शामिल कई असहायताओं को बताता है बल्कि आंकड़ों की रोशनी भी बयान करता है। ये सरकारों के लिए भी, खासकर केंद्र सरकार के लिए भी, आपात एक्शन की जरूरत दिखाता है। सरकार ने पिछले 3 सालों में बेरोजगार होने वाले और आर्थिक तंगी के कारण दिवालिया होने के चलते आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा संसद को बताया। सरकार ने 2020 में बेरोजगारी के कारण बताया कि 3,548 लोगों ने आत्महत्या की। हमने इस पर डिबेट भी की थी। बेरोजगारी के इस संकट से निपटने के लिए आखिरकार केंद्र को प्रोएक्टिव कदम उठाते हुए उसको लेकर मजबूत दूरगामी नीति बनानी होगी और उनमें सभी राज्यों और आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा और विधि विशेषज्ञों के साथ मिलकर मंथन करना होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को वास्तविक लोकतांत्रिक अर्थों में अमल में लाए बिना इस कठिन हालात पर काबू पाना नामुमकिन है। केंद्र की ही नहीं, राज्य की सरकारों की कार्यक्षमता के लिए भी ये कड़े इम्तिहान का दौर है। तो हम आज के इस डिबेट में ये समझने की कोशिश करेंगे राष्ट्रहित में कि संघ को आखिर क्यों कहना पड़ा कि गरीबी दानव है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये नहीं है तो हमारे साथ एक खास पैनल, वरिष्ठ पत्रकार शशिनाथ दुबे जी हैं, लालजी निर्मल जी बीजेपी से, उरुसा राणा कांग्रेस नेता, राम प्रकाश त्रिपाठी RSS चिंतक हैं, शर्मिला महाराज समाजवादी पार्टी से हैं। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया राष्ट्रहित में। और मेरा पहला सवाल लाल जी निर्मल से है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अगर वो स्क्रीन पर आप दिखा सके तो प्लीज पैनल को स्क्रीन पर दिखा दीजिए। स्वागत है निर्मल जी, लाल जी निर्मल जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो परिस्थितियां हैं जिस पर आज संघ की ओर से भी टिप्पणी आई, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, वो टिप्पणी मुझे जाए एक बार बता दें, मैंने अभी ज्वाइन किया है। जी जी, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो गरीबी है वो दानव है और बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को लेकर गंभीर होने की जरूरत है, सरकार को इसको खत्म करना होगा। उन्होंने एक वेबिनार में ये बात कही है। गरीबी, मैं इसलिए इस पर डिबेट मुझे करनी पड़ी क्योंकि इसको लेकर जब विपक्ष सवाल उठा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, वैसे में अगर संघ का एक बड़ा आदमी, बड़े पद पे मौजूद व्यक्ति अगर इस तरह से टिप्पणी करता है तो इसके एक गहरे गूढ़ अर्थ भी हैं लाल जी। जी, मैं उस पर समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, गरीबी और बेरोजगारी यह केवल एक भारत की समस्या नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इसे जूझ रही है। भारतवर्ष में आजादी के बाद जो भी सरकारें रही उन्होंने इस विषय को बड़ी गंभीरता से नहीं लिया। देखिए, ये जो असमानता है, असमानता इसलिए है कि आप देख रहे हैं एक समाज का एक ऐसा वर्ग था इस देश में जो कि शिक्षा से वंचित था, जिसके पास जमीन नहीं थी, जिसके पास रोजगार के लिए धन भी उपलब्ध नहीं था। अब समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा देश की आबादी का 25% भाग, 25% हिस्सा ऐसे वंचित लोगों का था। एक केंद्र सरकारों की ये जिम्मेदारी होती थी, राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी होती थी कि वे इस समस्या से जूझते और उनके लिए कोई आर्थिक एजेंडा, देखिए सामाजिक डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ प्रयास किया गया लेकिन आर्थिक एजेंडा
किसी भी सरकार ने, पूर्ववर्ती किसी भी सरकार ने नहीं, तो मौजूदा सरकार के पास भी तो कोई आर्थिक एजेंडा नहीं है। अगर होता तो दत्तात्रेय होसबोले को ये क्यों कहना पड़ता? नहीं देखिए, जहां तक मेरा मानना है, मैं दलितों और वंचितों के बीच काम करता हूं जी, और आजादी के बाद अगर किसी ने आर्थिक एजेंडा दिया तो उन्हें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में इंगित कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए सबसे बड़ा आर्थिक एजेंडा स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत आया, जिसमें 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण की व्यवस्था की गई और उसके तहत इस समय करीब 98,454 लोगों को करीब 30,000 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण हुआ है और उसके फलस्वरूप खासकर से अनुसूचित जातियों में सैकड़ों की संख्या में बड़े दलित उद्यमी पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपका आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये जो हमारी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो बहुत बड़ा है। नहीं, हम तो इनकार ही नहीं कर रहे ना निर्मल जी, हम तो इनकार ही नहीं कर रहे कि प्रधानमंत्री जी का विजन बड़ा नहीं है जी। हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी का विजन बड़ा है, इसीलिए देश ने उनको दूसरी बार चुना 19 में। ये तो मैं दत्तात्रेय होसबोले जी के बयान की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक वेबिनार में जब इस पर बात हुई तो उन्होंने बड़ी निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, ये दानव है, रावण का जब वध होने वाला है उससे पहले उन्होंने इस गरीबी का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि भाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और सरकार के आंकड़ों में भी बेरोजगारी पर तो आप बात करते ही रहते हैं, बेरोजगारी। तो अगर वो तमाम योजनाएं बहुत कारगर हैं तो फिर ये दत्तात्रेय होसबोले को क्यों कहना पड़ा ऐसे क्रूशियल समय में, जब तमाम तरह की बातें हो रही हैं, इलेक्शन का माहौल है। तो उन्होंने तो एक नई बहस को जन्म दे दिया कि वो कांग्रेस की बात बोल रहे हैं। हमारी सरकार जब से आई है, देखिए उत्तर प्रदेश में 17% से जो बेरोजगारी दर थी, हमने उत्तर प्रदेश में उसको 3.9% तक लाया है। लेकिन इन पॉइंटों का मतलब क्या है? आप सड़क पर जाइए, आप यूनिवर्सिटीज में जाइए, बुरी हालत है। हमारे साथ लाल जी हमारे साथ शशिनाथ दुबे जी और राम प्रकाश त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। राम प्रकाश जी दोबारा जुड़ेंगे और शर्मिला महाराज जी समाजवादी पार्टी से जुड़ गई हैं। शशिनाथ जी, मैं पहले आपसे एक प्रश्न ले लूँ, उसके बाद मैं शर्मिला महाराज जी के पास आऊँगा। शशिनाथ जी, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये जो दत्तात्रेय होसबोले का बयान आया, इसके बाद एक ये बहस पैदा हुई, खड़ी हुई कि भाई यही बात तो कांग्रेस लगातार कह रही है, यही बात तो विपक्ष की दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि भाई आर्थिक असमानता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। ये तो संघ भी यही बात कहने लगा। क्या माहौल, किस तरह, क्या मतलब क्या है इसका? शशिनाथ जी आपसे कि जो संघ क्या है, संघ समय समय पर आप देखिए कि जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में जो है पिछली सरकार रही है, उसके बाद ये रही, समय समय पर संघ जो है चेतावनी देता रहा है और वो देश के वो ये दिखा, संघ ये का मेन मकसद हमारी कि मैं आम जनता के साथ हूँ। जैसा भी हमारे विपक्ष के लोग और भी कह रहे थे, मैंने उनका भी सुना और सुना निर्मल जी, क्योंकि पार्टी से हैं और इनको एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है, तो पार्टी के लिए निर्मल जी जो है का फर्ज बनता है कि पार्टी के फेवर में निर्मल जी कुछ जो है कहें और या जो है उसको उसका बचाव करें। वास्तविकता ये है कि बेरोजगारी आज की ये समस्या नहीं है, ये शुरू से चली आ रही है। हमारा भारत देश जो है जनसंख्या में जो है सबसे आगे है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है और रोजगार के साधन कम होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति में जो सिखाया जाना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ ये टेक्निकल जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जो है जितने भी कॉलेज हैं, आप देखिए कि वहाँ पर खाली बच्चे जाते हैं भारी फीस के साथ और वापस वहाँ से निकलने के बाद उनका सिलेक्शन बहुत कम मार्जिन में होता है और इतने कॉलेज सरकार रोज खोलती जा रही है या इतने परमिशन देते जा रहे हैं और या इतने होते जा रहे हैं, बेरोजगारी उस बढ़ती जा रही है। टेक्निकल शिक्षा जो है सबसे बड़ी बात बेरोजगारी के पक्ष में आता है। आंकड़े जो है
आंकड़े अपनी तरफ है, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी बात कहां से समस्या है? बजट भाई, सरकारी नौकरी दे नहीं पा रही है सरकार, पास पैसा नहीं, जो बजट आता है आप देखिए 82-85% जो सरकार का बजट खाली जो है रोज जो है लोगों को जो है तम वेतन देने में या पेंशन देने में जाता है। आप चाहे रक्षा का बजट ले लीजिए या किसी के बजट ले लीजिए, उसके बाद ढांचा इन सब में आता है, नया कार्य करने के लिए सरकार के पास बजट नहीं रहता। इसीलिए आप हर एक सरकारी विभाग में आप जाके देख लीजिए कि वहां पर संविदा कर्मी संविदा पे भर्ती करने लगे, ठेके पे भर्तियां होने लगी हैं। जहां पे वेतन 70-80 हजार है वहां पे 12,000-15,000-20,000 पे बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बच्चे काम कर रहे हैं, ये इनको आप कहिए कि मैंने रोजगार दे दिया है, जो संविदा पे बच्चे गए तो ये रोजगार नहीं है। जिस व्यक्ति को 50,000 या 60,000 वेतन मिलना चाहिए, आज संविदा पे वो 12,000-15,000 रुपया वेतन मिल रहा, तो इसको आप, हम तो नहीं मानते हैं कि ये रोजगार नहीं है, लेकिन मानता हूँ। शशिनाथ जी आप ये कह रहे हैं कि संविदा पे काम करने वालों को भी आप रोजगार की श्रेणी में नहीं रख रहे, लेकिन वहां तो रोजगार की परिभाषा बदल गई, वहां तो आप ऐसे ऐसी चीजों की परिभाषा आ गई कि मैं टीवी पे बोलूंगा तो बड़ा खराब लगेगा वो। हमारे साथ राम प्रकाश त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं और उरुषा राणा जी भी आ गई हैं, स्वागत है आपका उरुषा जी। राम प्रकाश जी, आपसे मेरा सवाल है, ये दत्तात्रेय होसबोले का जो बयान है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आप तो खड़े रहे सरकार के साथ, लेकिन अब ये जो बयान है ये तो विपक्ष की आवाज को आवाज दे रहा है। ये तो ठीक वैसे ही हो गया कि राहुल गांधी ने मोहन भागवत जी को पदयात्रा में शामिल होने का कांग्रेस ने कहा था शामिल हो सकते हैं, तो आपने तो उसी तरह से बयान आ गया, इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ऐसा है कि संघ किसी राज्य के साथ नहीं है जी, संघ एक्चुअली समाज के साथ है। हाँ। और समाज की चीजों को उसको देखना है। अगर समाज में बेरोजगारी की बात है तो संघ ये बात कह रहा है, लेकिन एक चीज ये देखने वाला है कि क्या आज जिस बेरोजगारी की बात कही जा रही है, क्या कोई व्यक्ति बेरोजगार है? हमको तो नहीं दिखता कोई बेरोजगार हो, हर आदमी कोई ना कोई काम कर रहा है, अपना जीविकोपार्जन कर रहा है और परिवार भी चला रहा है और अपने सारे काम पूरे कर रहा है। तो ये तो एक भ्रम की स्थिति है एक तरीके से कि आप कह रहे बेरोजगार है ही नहीं। हमारे हिसाब से बेरोजगारी जितनी बताई जा रही है उतनी नहीं। अच्छा, बेरोजगारी है लेकिन बेरोजगारी इतनी नहीं है कि इसको इस तरह से जो है हाईलाइट किया जा रहा है। नहीं, मैं कहां कह रहा हूं, ये तो दत्तात्रेय होसबोले जी का बयान है, उन्होंने ही कहा है। शशिनाथ जी कुछ कह रहे हैं आप? जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, विपक्ष का तो सीधे सीधे मीडिया पे या सत्ता पक्ष का मीडिया पे एक इनका जो है ये कह देना कि हाईलाइट किया जा, हाईलाइट नहीं किया जा। ये जो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार में है और आरएसएस के बलबूते से आज सरकार पे है, उन्हीं के नीति से और सिद्धांतों से। अगर आरएसएस ने ये कहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पे विचार करना चाहिए कि कहां पे जो है और उनके साथ मंथन करके इस पे काम करना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए। राम प्रकाश जी कह रहे हैं तो बेरोजगारी है, गुजरात मॉडल लेके। शर्मिला जी, आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, दो तरह की बातें हैं। राम प्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी तो है ही नहीं, सब काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। हमारे देश और प्रदेश में बेरोजगारी तो पूरी भरी हुई है, और जब से भाजपा सरकार आई है तब से केंद्र से लेकर हमारे राज्य में भी बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। आप लॉकडाउन देखे होंगे, जब दो कोरोना काल में हमारे देश में कितनी बेरोजगारी आई, ये तो अब मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ कि वो कह रहे हैं उनको बेरोजगारी, या तो उनको दिख नहीं रहा है कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का क्या हाल है। हमारे यहाँ जो नौकरियां कर रहे थे लोग, वो लॉकडाउन में उनकी नौकरी चली गई, कोरोना काल में उनके घर की रसोई कैसे चल रही है, ये तो हमारे प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी देखते हों कि क्या हमारे देश का दुर्दशा हुआ है। लोग बेरोजगारी में भूखे मर गए, दवा के बिना, इलाज के बिना लोग मर गए, और हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है। आज स्कूल में फीस माफ नहीं हुआ, बच्चे जो बेरोजगार जिसकी पेरेंट्स की नौकरी चली गई हमारे देश में,
उनको आज वो बच्चे को अपने एजुकेशन नहीं सही से दे पा रहे हैं। उनके घर के महिलाएं से पूछिए तो वो महिलाएं जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं। हाँ, एक ब्रेक के लिए रुकने के लिए मुझसे कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा शर्मिला जी, मैं लौटता हूँ। उर्सा जी ब्रेक के बाद मैं आपसे बात करूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, फौरन लौटता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। सरदार इंद्रजीत सिंह छोटू हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी एवं समस्त परिवार की तरफ से भिलाई ट्रक टेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर, अध्यक्ष और संरक्षक रहे स्वर्गीय सेठ बीरा सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर शत शत नमन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराएं नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात आरएसएस के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद शुरू हुई। बात बेरोजगारी को लेकर हम लगातार अपने कार्यक्रम में बात करते रहे हैं, मुद्दा भी उठाते रहे, लेकिन सरकार इस बात से इनकार करती है कि बेरोजगारी है भी, जैसा कि अभी आपने ब्रेक से पहले सुना। हम ब्रेक से लौट आए हैं, उर्सा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं। उर्सा राणा, ये बात आपने लगातार, आपकी पार्टी उठा रही है कि बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, और इस पे सरकार कहती है कि भाई बेरोजगारी नहीं है, लेकिन ये बयान तो आपके पार्टी के सुर में आपको तो राहत मिली होगी वैसे, कि अब संघ भी वही बात कहने लगा है जो आप लोग कह रहे हैं लगातार। अनम्यूट कर लीजिए आप। देखिए सिर्फ संघ ये बात नहीं कह रहा है, देखिए आज देश का बच्चा परेशान है। जो हालात हैं इस देश के, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। जैसे कि शर्मिला जी ने बोला, लॉकडाउन में भी आपने हालात देखे होंगे कि क्या हालात थे, क्या मुसलमान क्या हिंदू क्या सिख जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, चाहे भूखे प्यासे हों, चाहे वो उनके पास दवाई के लिए इलाज के लिए पैसे नहीं थे, क्या क्या हालात से हम लोग गुजरे हैं ये हम लोग जानते हैं। और जो लोग कह रहे हैं या जिनको अभी तक बेरोजगारी नजर नहीं आ रही है, तो ये तो मैं कहूंगी बहुत शर्म की बात है कि देश कहाँ पे जा रहा है और आपको दिख नहीं रहा है कि देश के क्या हालात हैं। हाँ, अब आंखों से पट्टी हट जानी चाहिए, क्योंकि अगर आंखों से पट्टी अगर हम लोग ने नहीं हटाई और देश को नहीं बचाया तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश का क्या हाल होगा ये आप भी जान रहे हैं। तो ये कहना कि बेरोजगारी नहीं है, उनसे पूछिए जिनके घर में 3-3 वक्त फाके होते हैं, खाने को नहीं मिलता है। और आप वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, कोई कुछ ना कुछ काम चल कर रहा है, तो क्यों हम चाहते, हम लोग ये चाहते हैं कि देश में जो है लोग पढ़े लिखे ना, इंजीनियर डॉक्टर ना बने, बल्कि मजदूरी करता रहे आदमी। हर आदमी चाहता है ना कि हम हालात मेरे सुधरे, ना कि हम पीछे जाएं। देश हम आगे ले जाना चाहते हैं, देश पीछे नहीं ले जाना चाहते हैं। हाँ, लाल जी निर्मल जी, लाल जी निर्मल जी, शशिनाथ जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी,
उन्होंने कहा कि भाई अगर संघ की ओर से ये बात आई है निकलकर, और एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसमें दत्तात्रेय होसबोले जी बोल रहे थे, तो बीजेपी शासित सरकारों को जो राज्य हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई कम से कम ये एक समस्या है, अगर इस पे वो इशारा कर रहे हैं। बीजेपी की तमाम सरकारें और नेता इस बात को नकारते रहते हैं कि भाई ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसके लिए हमने कई रास्ते बनाए हैं, स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप, स्टैंडअप, इस तरह की बातें बताई जाती हैं। निर्मल जी, निर्मल जी, लाल जी, निर्मल जी, आपसे ही सवाल है मेरा, अनम्यूट कर लीजिए आप। आवाज आ रही? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए अभी एक प्रतिभागी ने कोरोना काल का जिक्र कर दिया। कोरोना काल में आपने पूरी दुनिया की त्रासदी देखी, सबसे विकसित राष्ट्र अमेरिका की दुर्दशा देखी, वहां पर भोजन के लिए लाइन लगाते हुए लोगों को देखा, और भारतवर्ष में पूरी दुनिया में कहीं कोई वैक्सीन नहीं थी इसकी, 10 महीने में हमारे देश ने वैक्सीन सृजित कर दिया, एक भी व्यक्ति कोरोना काल में भूख से नहीं मरने पाया, पूरे देश के लोगों को वैक्सीन लगाई गई, एक इतनी बड़ी महामारी। आपको याद होगा जब 1920 के आसपास जब फ्लू की बीमारी आई थी, स्पेनिश फ्लू की, जिसमें करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रबंधन था कि इस महामारी से हम लोग मुक्त हो सके, और कोई भी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति भी इस देश में भूखा नहीं मरने पाया, और स्थितियों को संभाला गया। आज सब लोग, शर्मिला जी, आप इत्तेफाक रखती हैं इस बात से, वो कह रहे हैं कि भाई कोरोना के समय में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। कैसे भूख से नहीं मरा है, वो तो भाजपा वाले को दिखता नहीं है, क्योंकि आप ना जब मैदान, जब आप जमीनी स्तर पे उतर के आप आएंगे, आप देखते 2000 लॉकडाउन में तब आपको दिखता कि आप देखिए, प्रतिपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, और प्रतिपक्ष कोई सकारात्मक नहीं, सिर्फ नकारात्मक बातें करता है। जैसे प्रतिपक्ष भी अब क्या सकारात्मक सरकार की तारीफ करेगा? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, बाद में वही वैक्सीन उनके पूरे परिवार ने लगाई। लेकिन अब ऐसी वैक्सीन भी बन जानी चाहिए जिससे कि बेरोजगारी और ये गरीबी खत्म हो जाए। उर्सा जी, आप क्या, आप जो निर्मल जी ने बात कही उस पर आप अगर टिप्पणी करना चाहें तो, नहीं तो फिर के पास जाऊंगा। उर्सा जी, देखिए जो निर्मल जी कह रहे हैं, वैक्सीन या और भी जो इन्होंने इंतजाम किए गए सरकार के द्वारा, वो जब किए गए, जब लाशें बह चुकी थीं, कितने लोगों ने जान दे दी, जब इनके हाथ में पूरी दुनिया जब थू करने लगी इस हुकूमत पे कि देखिए हिंदुस्तान में ये हालात हो रहे हैं, और कोई इनको पूछ नहीं रहा है, तो इनकी आंखें जगी, इन्हीं किया। लेकिन बहुत टाइम, मतलब बहुत लोगों ने जान दे दी थी, उसके बाद इन्हीं वैक्सीन निकाली जो भी निकाला। तो कहने का मकसद ये है कि हम इंतजार क्यों करते हैं कि लोग मरे, लोग जान से जान गवाए, है ना, लोग भूखे मरे, तो फिर हम होश में आए। एक मिनट, नहीं, गलत बात आप मत करिए। देखिए जरूर आपकी हुकूमत है, लेकिन इतना भी आदमी अंधा ना हो जाए कि गलत क्या है और सच क्या है वो भी ना दिखे आदमी को। हाँ, क्योंकि जिन परिवारों ने अपने लोग खोए ना, उनसे पूछिए जाके, उनके घर तो आप लोग गए नहीं होंगे, ना पूछा होगा। हाँ, हम लोग गए हैं, हमने देखे हैं कि कैसे कैसे लोग रो रहे थे कि बेवा औरत, उसका कोई कमाने वाला नहीं। नहीं, ये कोरोना पे भी डिबेट नहीं है उरुसा जी। नहीं, सिर्फ कोरोना की बात, अभी कोरोना की बात। रामप्रकाश त्रिपाठी जी, रामप्रकाश जी, आपने बड़ा, आपने जो बयान दिया, मुझे खुद आपत्ति। आप कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी है नहीं, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपके ही महासचिव कहते हैं कि बेरोजगारी है और इतनी है कि उस पर सोचना चाहिए, वो दानव है, उसको हटाना चाहिए, उसको मारना चाहिए। ये मुझे जरा आप थोड़ा सा अगर
इसकी इस पर थोड़ी क्लैरिटी दे दें कि एक मजबूत सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है संघ सरकार का भी और बीजेपी का भी, तो ऐसे में अगर ये बयान आ रहा है तो इस पर ये जो शशिनाथ जी कह रहे हैं कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, इसको खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये समाज के हर तबके से जुड़ी हुई समस्या है। राम प्रकाश जी, आप खारिज कर रहे हैं उसको? राम प्रकाश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है शशिनाथ जी, ये हाँ शशिनाथ जी आपके पास आवाज आ रही है? हाँ जी, ये बयान, इसको मैं थोड़ा सा एक दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करूंगा आपसे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में कई राज्यों में चुनाव का एक माहौल बन रहा है, ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूथ एम्पावरमेंट, अभी हाल ही में उन्होंने जो एक मन की बात की उसमें भी उसका उन्होंने जिक्र किया, ऐसे समय में आया जब राहुल गांधी ने एक अभी भाषण दिया कर्नाटका में और उन्होंने उस पर प्रश्न उठाया कि भाई बेरोजगारी को दूर करेंगे हम कर्नाटका में, उन्होंने बड़ा भाषण दिया, वायरल भी हो रहा है वो। तो क्या दत्तात्रेय होसवोले का ये बयान वाकई में सिर्फ एक इंडिकेशन है, क्योंकि संघ बीच बीच में इस तरह के इंडिकेशंस देता रहता है, चाहे वो किसी मुस्लिम बुद्धिजीवी से मिलने का संघ प्रमुख का फैसला हो या इस तरह के बयान हो, क्या इसको इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, राजनीतिक हिसाब तक की जहां तक बात है, जो स्थित संघ में आज की तारीख में जितने भी प्रचारक हैं या नीचे स्तर तक, वो गांव-गांव में घूम रहे हैं। अच्छा, वो एक एक जनता के बीच में जाते हैं। संघ की कार्य प्रणाली से जो है, हमारे निर्मल जी भी अच्छी तरह परिचित हैं क्योंकि वो भी वही जो है संघ के जो है समर्थक से या संघ के जो है विचारधारा से वो भी सहमत हैं और सब लोग हैं। संघ का मेन मकसद आज की तारीख में जो मेरी सोच है, जो मैंने देखा है, उसका ये रहता है कि जब जब कभी उसको कहीं नजर आती है कि हम सरकार जो है थोड़ा सा, इसको आप ये कह सकते हैं कि पटरी से इधर उधर अगर जाने की कोशिश करती है, या तो उसमें संघ चेतावनी देता रहता है। संघ अपने ऊपर कोई भी चीज नहीं लेना चाहता है कि जो है सरकार के, ये सरकार भले जो है संघ समर्थित हो या संघ के ही जो है एक राजनीतिक विचारधारा के लोग जो है संघ के द्वारा ही जो पार्टी बनाई गई है संघ के लोग के समर्थन से ही, उन्हीं के विचारधारा से जो है लोगों को, आपसे बताएं कि मंत्रिमंडल तक में जगह दी जाती है, और मोदी जी या अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी जो भी केंद्रीय बड़े नेता हैं या बीजेपी के बड़े नेता, सब संघ के ही इशारे पे या उसके समर्थन से ही जो है सत्ता में आए। संघ का इस तरह से जो है बोलना, कहीं ना कहीं वो जो जनता के बीच में नाराजगी है संघ के लोग प्रचारक, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप जमीन से जुड़े हैं और संघ के लोगों से आपकी मुलाकात है, तो संघ के लोग एक झोला और लेके जो है गांव-गांव में और गली-गली में घूमते रहते हैं, वो देख रहे हैं क्या स्थिति है। फाइव स्टार कल्चर में तो बेरोजगारी नहीं है, वो तो सब मानते हैं, लेकिन उसके नीचे जो मध्यम वर्ग की आज की स्थिति है, निम्न वर्ग की जो स्थिति है, सबसे बड़े ये कोरोना काल के बाद जो स्थिति आई है पूरे विश्व में तो परेशानी आई, लेकिन हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था को काफी ऊंचा उठाना, रोज रुपए का आप दशा देख ही रहे हैं क्या स्थिति है कि कहां तक जा रहा है। तो मेन ये है कि चिंता संघ ही नहीं, देश का जो भी विचारक होगा जी, वो भी चिंता कर रहा है, और जब तक पैसा आम आदमी के जेब में नहीं जाएगा और आम आदमी खरीदारी उस पैसे से मार्केट में नहीं करेगा, तब तक खुशहाली कैसे आएगा। देखिए, पैसा किसी एक व्यक्ति के पास जमा हो जाने से उसका नहीं होता, वो एक रोटे एक, एक, एक से दूसरे काका गागा से चलते हुए जब फिर का के पास आता, इस तरह से जो है अर्थव्यवस्था चलती होती है। आप जहां तक इन दोनों लोग कोरोना की बात करते हैं, जिसको ये लोग ध्यान नहीं देते, हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज की तारीख में ग्रामीण बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि गांव में लोगों को रोजगार नहीं, मनरेगा है गांव में, कितने लोगों को मनरेगा, अगर 800 लोग गांव में, 150 लोगों को मनरेगा से काम मिला तब भी तो उसमें से 600 साढ़े 600 लोग
बेरोजगार घूम रही है, युवा घूम रहे हैं। तो आप ये मान रहे हैं बेरोजगारी है, आप ये मान रहे हैं ना बेरोजगारी है। मेरा जो सोच है, मेरा कहना कि इनको ऐसी तकनीकी शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा दी जाए और लघु उद्योग की तरफ इनको इस तरह से बढ़ाया जाए। लघु उद्योगों के लिए तो सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए भी हैं। बेरोजगार आदमी किसी बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, जी कहीं भी बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो उसको कितने कागज की जरूरत पड़ती है। जहाँ जी इसकी तो बात ही मत करिए आप, इसका तो मैंने बहुत रिसर्च किया है। देते हैं जी, जहाँ बड़े बड़े उद्योग, मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। हाँ, जहाँ इतने बड़े जो है बड़े बड़े उद्योगों की इतनी सहूलियतें दी जाती हैं, आपसे बताएं रोज लघु एवं सूक्ष्म उद्योग और इसके लिए आप इतना जो है सम्मेलन करते हैं, बैठते हैं, लेकिन आप जाइए ना बैंकों में, वो स्थिति प्रधानमंत्री 10,000 एक लाख लोन क्या रही आज, हाई स्कूल जमा करने के बाद लोन मिलता था, उस लोन की स्थिति क्या हुई आज? देखिए हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि ये जो मुफ्त खोरी जो लोन लेके लोग करने लगे, ये भी एक समस्या बन गई बेरोजगारी की, और उसके बाद लाइन में खड़े हो गए। बेरोजगारी ऐसे बहसबाजी या आंकड़ों से तो खत्म होने वाली है नहीं, इन लोगों को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा ढांचा तैयार करना होगा कि हम देश की जनता जो है, सरकार कितने सरकारी पद हैं कि जिसपे सरकार उनको जो है कर्मचारी या छोटे से या अधिकारी तक दे सकती है। तो और कोरोना के बाद जितने भी उद्योग धंधे हैं वो चरमरा गए। राम प्रकाश त्रिपाठी जी, पिछली बार आप म्यूट, ये जो बात कह रहे हैं शशिनाथ दुबे जी, हालांकि आपने तो शुरू में ही इसको पूरा खारिज कर दिया, कैसे सरकार, आप ये ठीक है कि आप प्रश्न उठ रहा कि भाई बेरोजगारी तमाम तरह की दिक्कत है, क्या आपके पास आप बता सकते हैं, चूंकि आप संघ विचारक हैं, आप लगातार घूमते हैं, माहौल के बारे में तो आप बता ही सकते हैं ना, अगर दत्तात्रेय होसबोले ये बात कह रहे हैं तो माहौल के बारे में तो आप बता ही सकते हैं कि भाई सरकार इस तरह से करे तो हो सकता है कि थोड़ा सा फायदा मिले युवाओं को या गरीबी कम हो सके। देखिए संघ सामाजिक सरोकार की बात करता है, अगर हमारे दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा है कि बेरोजगारी है तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी एकदम से एरेडिकेट हो गई है, खत्म हो गई है, थोड़ी बहुत बेरोजगारी है, उसी को एरेडिकेट करने के लिए उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अगर इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाए कि नहीं साहब बेरोजगारी तो इतनी ज्यादा है कि अब लोग भूखों मर रहे हैं, हमको तो नहीं दिखता कोई भूखों मर रहा हो, ठीक है संघ सामाजिक सरोकार की बात करता है, लेकिन ये राजनीति बनाने का मुद्दा नहीं है कि इसको इसका राजनीतिकरण कर दिया। तो फिर क्या बनाएं फिर इसका, ये बताइए आप कैसे बात हो, अगर भाई राजनीति से ही आजकल पूरा देश हर चीज राजनीति में ही लगी हुई है सर, तो भाई सवाल तो किससे करेंगे, सवाल हर चीज राजनीति के लिए लगी है, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष की राजनीति है वो केवल विरोध करने की राजनीति बन के रह गई है, यहाँ पर जो चीजें सही है। मैं इसका जवाब दोनों लोगों से चाहूंगा, शर्मिला जी आपसे भी, उरुसा जी आपसे पहले, शर्मिला जी आप बताइए, आप विरोध की राजनीति करते हैं क्या भाई, कुछ अच्छी बातें भी मोदी जी कर रहे हैं आप उसकी तारीफ कर दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप। आवाज नहीं आ रही शर्मिला जी, एक बार देखिए शायद आवाज की प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। मैं तारीफ ये करूंगी कि उज्जवल योजना जो उन्होंने दिए हैं महिलाओं के लिए, उज्जवल योजना के माध्यम से सिलेंडर तो घर घर पहुंच गई। आवाज नहीं आ रही, म्यूट करूंगी। आ रही है, बोलिए बोलिए। तो उज्जवल योजना के माध्यम से सिलेंडर तो मिल गया महिलाओं को, लेकिन लेकिन आज वो गैस सिलेंडर भरवाया कैसे जाए, जब हमारे यहाँ महंगाई सीमा पे पहुंच गई है, सिलेंडर का कैसे भराया जाएगा। तो आज हम तारीफ यही करेंगे कि जो आज बच्चे को हम एजुकेशन देने के लिए आज हम इंटर और इंटर बीए करा रहे हैं,
इंजीनियरिंग करा रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं उनको मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसको हम बेरोजगारी तो कहेंगे? हाँ उरुसा जी, उरुसा जी, आप ये बताइए, आप सिर्फ विरोध की राजनीति क्यों कर रहे हैं? नहीं, विरोध की राजनीति अगर नहीं करेंगे, जो सच्चाई है विपक्ष क्यों बैठा हुआ है? उरुसा जी, उरुसा जी, विपक्ष वाले को जो दिखता नहीं है बोले, उसको बोले। हमने उनको दिखाने की कोशिश, हाँ ठीक है ठीक, यही विपक्ष का काम है। उरुसा जी, उरुसा जी, ये आप सिर्फ ये बात कह रहे हैं राम प्रकाश जी कि आप विपक्ष जो है बेरोजगारी से उसको कोई पंचायत नहीं है, वो सिर्फ विपक्ष विरोध की राजनीति कर रहा है। अच्छा, जब अगर हम बोले तो विरोध है, ये बोले तो सही है, क्यों? जब 400 में सिलेंडर था, 380 में ऐसे सिलेंडर जब था, तो स्मृति ईरानी सड़कों पे थी, उस वक्त उनको दर्द नजर आ रहा था महिलाओं का। आज सिलेंडर 1100 के करीब पहुंच गया है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं। तो अगर हम विरोध कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो फिर इसमें इनको क्या दिक्कत आ रही है? दूसरी बात देखिए, मोदी जी आते हैं, मन की बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए यही फर्क है राहुल गांधी जी में और मोदी जी में। मोदी जी आते हैं, मन की बात कह के गायब हो जाते हैं, राहुल जी मन की बात कम कहते हैं, कम कहते हैं, लेकिन वो मन की बात सुनते हैं, लोगों की दिक्कत सुनते हैं, तो ये फर्क है। देखिए लाल जी, निर्मल जी फर्क बता रही है, उरुसा जी आप जवाब देना चाहेंगे, आप मन की बात सुनते नहीं है? पहले मेरी बात पूरी हो जाने, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए आज जो हालात हैं, आप खुद ही, आपने भी एक आया था कि बच्चे की फीस नहीं दे पाए तो उस बच्चे को मार दिया टीचर ने, किस गांव का भी हुआ है किस्सा, है ना, कि वो इतनी बेरोजगारी थी, मतलब इतनी दिक्कत थी कि उन्होंने फीस नहीं जमा की तो बच्चे को इतना मारा कि बच्चा मर गया। तो जिस देश में ये हालात हो, और आपको मैं बता दूं कि अभी मैं पढ़ रही थी कि 10 साल में करीबन 1,00,000 समथिंग जो है लोगों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की गई है। हाँ क्यों, ऐसा क्यों, इतने हालात कैसे खराब हो गए? जब ये कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है तो क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों लोग मर रहे हैं भूखे? तो और फोर्ब्स की जो रिपोर्ट आई है, एक जगह अडानी जी जो है दुनिया के सेकेंड नंबर के सबसे richest man में उनका नाम है। सोचिए, जहां देश का एक आदमी richest man में आ जाता हो पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे, वहां ऐसे देश तो आप जो कह रहे हैं वो संघ ने कहा, तो फिर ये राहुल गांधी बार बार आरएसएस को क्यों लपेट रहे हैं अपने रैलियों में? भाई वही तो संघ कह रहा है कि महंगाई ज्यादा है, आर्थिक असमानता है। आप कह रहे हैं, देखिए अब यही तो बात हो गई कि राहुल जी की मान रहा है, कुछ दिन बाद लाल जी, निर्मल जी जवाब दीजिए आप इसका, कुछ दिन बाद मोदी जी भी कहेंगे राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे थे, ये देश राहुल जी चला सकते हैं, मैं नहीं चला सकता। देखिए ऐसा है कि राहुल जी को कांग्रेसी खुद नहीं समझ पा रहे हैं, और ये प्रतिपक्ष का संघ समझ गया, आप ही कह सकते हैं। देखिए संघ ने समझ लिया, कुछ दिन बाद आप भी समझेंगे, आप भी राहुल राहुल करेंगे, देखिएगा। राहुल जी अब कांग्रेस ही नहीं समझ पाई राहुल जी को, तो ये देश क्या समझेगा? अरे देश समझ गया, कांग्रेस तो बहुत पहले समझ गई थी, वो तो हमारे नेता है, देश के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं, और प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश के लिए तो भी अप्रासंगिक हो। राहुल जी ने तो जो जो बात कही वो सच होती गई। बेरोजगारी का सवाल है, देखिए गरीबी और बेरोजगारी जनसंख्या विस्फोट के कारण एक वैश्विक समस्या बनी हुई है, क्योंकि जो भारत की आप जनसंख्या जो देख रहे हैं इस समय लगभग 130 करोड़ के आसपास है, और वास्तव में जो सरकारी नौकरियां हैं इस देश में, सरकारी नौकरियों को मद्देनजर रखते हुए लोग बड़ी बेरोजगारी है इसकी बात करते हैं। सरकारी नौकरियों की संख्या करीब 2 करोड़ के आसपास है, आप 130 करोड़ की आबादी में केवल सरकारी नौकरियों के बल पे आप सबको संतृप्त नहीं कर सकते, इसीलिए देखिए हमारी सरकार जो एमएसएमई के माध्यम से, लेकिन एमएसएमई का जिक्र किया उन्होंने शशिनाथ जी ने कि बैंक में जाइए आप एमएसएमई के लिए लोन लेने के लिए, देखिए क्या हालत होती है। ये समस्याएं थी लेकिन काफी हद तक हमने उसका सलूशन दिया है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के माध्यम से हमने 2 करोड़ लोगों को जोड़ा है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, 5,25,000 सरकारी सेवा में हमने
लोगों को पद दिए हैं ये, और ये लिखित कागज पारदर्शी तरीके पे है या मौजूद पारदर्शी तरीके से हमने नौकरियां दी हैं। तो देखिए हम सबसे बड़ा काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, बहुत चिंतन कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा कार्य हो रहा है। जैसे अनुसूचित जातियों के बीच में अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना का सूत्रपात किया, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसमें हम योजनाओं की कोई कमी नहीं है सर, योजनाएं तो इतनी ज्यादा हैं कि पूछिए मत, याद करना मुश्किल है। कागज पर हम उनको मार्केट दे रहे हैं, उनके प्रोडक्शन को आप मार्केट दे रहे हैं और सारे लोगों का हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। 10 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक का प्रशिक्षण दे रहे हैं सरकारी खर्च पे, हम उनको जमीन मुहैया कराने जा रहे हैं, उसपे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं। शशिनाथ जी आखिरी आपकी टिप्पणी से मैं खत्म करूंगा, ये लाल जी निर्मल जी ने जो बात कही उस पर मैं आपकी एक प्रतिक्रिया आखिरी में चाहूंगा, और आखिरी में एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर मैं चाहूंगा कि ये जो बात अभी उरुसा राणा जी ने कहा कि जो बात उनके नेता या फिर ये कह लीजिए कि राहुल गांधी लगातार कह रहे थे, वही बात अब संघ कह रहा है और ये उनकी जीत है, ये वो ये कह रही हैं जो उन्होंने अभी अपनी एक अपनी अपने वक्तव्य में कहा। इन दोनों पे मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं, उसके बाद मुझे खत्म करना है। शशिनाथ जी जी हाँ, अगर आप सुन रहे थे मेरा सवाल, मेरा दो एक तो जो लाल जी निर्मल जी ने कहा कि भाई हमने तमाम सारी योजनाएं बनाई हैं और अभी मौजूदा वक्त में भी हम उसको लेके काम कर रहे हैं, उस पर आपने हालांकि कहा कि बैंक में क्या स्थिति होती है, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी, और दूसरी उरुसा जी ने जो बयान दिया, उरुसा जी ने कहा कि भाई राहुल गांधी ये बात लंबे समय से कह रहे थे, अब संघ भी वही कह रहा है, सरकार अब सोचे इस पर, उनकी बात अब थोड़े दिन बाद मोदी जी भी कहेंगे ये बात कह रही हैं वो। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? आप आवाज आ रही? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताइए आखिरी में कमेंट, आखिरी कमेंट आपका, मुझे खत्म करना है फिर। देखिए सबसे बड़ी बात अभी निर्मल जी ने खुद वो जो है इसको स्वीकार किया है, तो ऐसे नेता चाहिए भी कि जो अपनी बात की स्वीकार कर लें कि कौशल मिशन, ये अभी इन्होंने कौशल मिशन का जिक्र किया या एनएसएमई का जिक्र किया, क्या धरातल पे कौशल मिशन का कार्यक्रम चल रहा है कि कागजों में चल रहा है? आज की तारीख में अगर जितना कौशल मिशन का और इसका कागजों में काम चल रहा है, अगर ये सही धरातल पे आ जाए तो कोई बेरोजगार ना हो, पटरी दुकानदारों को आपने जो है ठेला खुमचा वालों को जो है रोजगार जो है नगर निगम और हर एक जगह देने के लिए बात किया था 10,000 देंगे कार्यक्रम के लिए, वो सब क्या दिया? निर्मल जी अनुसूचित जनजात आयोग के जो है अध्यक्ष हैं, क्या ये सब इन्होंने जमीन पे जाके देखा है? देखिए कागजों में तो सब गुलाबी नजर आता है, लेकिन धरती पे जाइए तो यही आरएसएस का जो चिंतन है, जो आरएसएस के नेता ने जो चिंतन किया जो कहा उस पे इनको खुद चिंतन करना चाहिए, और उस पे ये राहुल गांधी पे या वो विपक्ष पे कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा, इसमें तो विपक्ष ने मुद्दा ही नहीं उठाया, ये तो मुद्दा खुद आरएसएस ने उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात, निर्मल जी को या भारतीय जनता पार्टी को, और सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि देखिए आरएसएस अगर कोई बात कहती है तो ऐसे आरएसएस कोई वो नहीं है कि आके राजनीतिक दल है कि आके थोड़ा सा बसा के कह के चली जाए, इसके पीछे बहुत बड़ा जो है उनका सोच होगा, उनकी देख होगी, पूरे देश में आरएसएस के लोग काम करते हैं वो भी निस्वार्थ भाव से, आरएसएस के लोग इनके प्रचारक घूमते हैं, क्योंकि मैं बहुत नजदीक से मैंने आरएसएस को देखा, आरएसएस जैसी संस्था हर एक प्रांत में हर एक गांव में हर एक देश में रहनी चाहिए मेरी सोच है, लेकिन अगर उसी से आप सत्ता में आए हैं और उसको आप करें एक तरह से आपने कहा विपक्ष की भाषा है, मैं निर्मल जी या इन लोगों की बात से सहमत नहीं हूं, ये विपक्ष की क्या आरएसएस को भी ये विपक्ष मानते हैं? मुद्दा आज का था कि आरएसएस ने बेरोजगारी का ये मुद्दा उठाया था, उस पे इनको कहना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार जहां कांग्रेसी सरकार नहीं है वहां भी सबको इन बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए, जब हमारा रोजगार उठेगा तभी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी हर एक घर में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान,
वो नारा आज की तारीख में जवान जवान जवानों की स्थिति देख लीजिए, किसानों के खाते में खाली पैसा चले जाने से कुछ किसानों में मध्यम वर्ग। निर्मल जी आप कुछ कहना चाहते हैं कह लीजिए, फिर मुझे खत्म करना है। पक्का मकान है उसके बाद आपको पैसे नहीं मिल रहा जी। निर्मल जी कुछ, निर्मल जी इसमें कुछ कहना चाहते हैं जी, खत्म करना है फिर मुझे। ग्राउंड लेवल पे क्या है आप, मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया है और खासकर से गरीब बस्तियों में, जहां भी जाता हूं गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में जाता हूं, आप वहां जाकर के हमारी सरकार की योजनाओं का जो परिणाम है उनके चेहरे पे देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा परिवर्तन आज ग्रामीण अंचलों में दिखाई पड़ रहा है। वो कागज जो है एमएसएमई और कौशल विकास की जो बात कर रहे हैं उसके माध्यम से हजारों 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 गरीब जो है रोजगार परक हो रहे हैं। तमाम तमाम योजनाओं का हम लोगों ने खुद निरीक्षण किया, जहां जाते हैं निरीक्षण करते हैं, ऐसा नहीं है आज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो योजनाएं हैं उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उर्सा जी फिर आप बोल लीजिए, मुझे खत्म कर। वो लिखित वो कागज पे ही है, वो कागज पे ही है, कहीं योजनाएं नहीं है। आप दिखाइए 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, देखिए आप ये तो दिखाइए लिखित में, आप तो लिखित तो कागज तो बन जाती है, लेकिन जो लाभांशिक परिवार है उसको तो हम लोग को दिखवा दीजिए कि 10,000 लोग को मिलवा दीजिए हम लोग से कि कहाँ है। 5,25,000 हमने सरकारी से नौकरी। हाँ, और उससे जो बोल लीजिए, मुझे खत्म करना है, आप बोल लीजिए। जैसे निर्मल जी ने बोला कि गांव जाके देख लिए, लोगों के चेहरों को देखिए, उससे पता चलेगा कि बेरोजगारी नहीं है, तो ये गलत कह रहे हैं। वहां तो क्या हालात हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हाँ अडानी और अंबानी, अडानी और अंबानी के चेहरों से हम बता सकते हैं कि उन्होंने बहुत तरक्की की है, और मोदी जी रहे तो ये और तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, शशिनाथ दुबे जी आपका, लाल जी, निर्मल जी, उर्सा राणा, राम प्रकाश त्रिपाठी जी और शर्मिला महाराज, आप सभी का बहुत शुक्रिया राष्ट्रहित में जुड़ने के लिए। ये बहस मुहावसे हैं, आप इसमें अपने अंदाज से अंदाजा लगाइए, जाइए किसी गांव में, देखिए बेरोजगार का चेहरा और अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि वो चमक है या उतरा हुआ है या कुछ बचा नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि आंकड़े क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस देश में जो परिस्थितियां हैं वो सरकार चाहे किसी की भी रही हो बदली नहीं है। अस्पतालों में, स्कूलों में, गाँव देहात के इलाकों में बहुत कम आपको ऐसे जगह मिलेंगी जहाँ पर खुशहाली दिखाई देती है। ज़्यादातर जगह पर लोग तनाव में हैं, परेशान हैं। राष्ट्रहित में ये ज़रूरी है कि सरकारें उस तनाव को दूर करने का काम करें। दत्तात्रेय होसबोले का बयान आ गया, हमने बहस कर ली, किसी और का बयान आ जाएगा हम उस पर बहस कर लेंगे। मुझे नहीं पता कि इस बहस से क्या बदलेगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बहस करने से कम बात सुनी तो जाएगी। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि ज़रूर जो आप सोच रहे हैं, जो आपके ऊपर गुजर रही है, वो आप ज़रूर बताइए, जिससे कि कम से कम झूठ ये लोग ना कह पाएं कि चेहरों पर चमक है। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र देखने के लिए।